T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. International Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today we are seeing a classification of elements by one of the scientists, that is the Mendeleev. इसके पहले हमने classification देखी है. We have already seen the classification of elements by different scientists in the earlier period. In the earlier video, we have seen the classification of elements by Newland's, and that classification it was related with Newland octave. उसके पहले हमने लिया था Dobereiner's triad. Dobereiner जो है उसने अपने तरीके से classification किया था. Newland ने अपने तरीके से classification किया. दोनों का भी जो classification करने का जो तरीका जो था, it was not much satisfied by various scientists. उन्होंने लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया. So, जो अभी जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है, इट वॉज डन बाय दिस मेंडेलीव. इसने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया देखना है, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन जो था, इट वॉज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट द फ्यूचर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या दिया जाता है. नाउ यू सी हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट जो उन्होंने किया था, इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. जो उसकी मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो थी, कौन सी थी? इट वॉज द एटोमिक मास. पुराने वाले जो साइंटिस्ट जो थे, पहले वाले जो साइंटिस्ट जो थे, केमिस्ट जो थे, दे आल्सो ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एटॉमिक मास. इन्होंने भी, मेंडेलीव ने भी क्या किया, दे आल्सो डन द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एटॉमिक मास. ये वाला पॉइंट जो था उनका क्या ऐसा था, इट वॉज द कॉमन, दैट वॉज द मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट वॉज द एटॉमिक मास. अभी मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनका उन्होंने अच्छे तरीके से स्टडी की और उनको पता लगा कि दे एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक मास. So he arranged that the all the elements, that is the 63 elements that were known to him at that time. उसको कितने elements मालूम थे? 63 उस समय में उनको 63 elements मालूम थे. तो क्या किया उन्होंने, he arranged all the elements according to the increasing atomic masses. उसके बाद में भी उन्होंने कैसा किया, दे डिवाइडेड द रोज एंड द कॉलम. कॉलम जो है उसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप. उसके बाद में रोज जो है उसको नाम दिया उन्होंने पीरियड. एलिमेंट विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस. अभी उन्होंने ऐसा बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स के, कुछ समय के बाद में, कुछ पीरियड के बाद में, डेफिनेट पीरियड के बाद में वो क्या रिपीट होती है. फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज इट गेट्स रिपीटेड आफ्टर द सम डेफिनेट इंटरवल. अभी उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखी, एट फर्स्ट दे सॉ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो उन्होंने कंसिडर किया. उसके बाद में उन्होंने कंसिडर किया हाइड्राइड्स. After that, the oxides,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे कंसिडर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटोमिक मासेस बाय कंसिडरिंग द वेरियस ग्रुप्स एंड द वेरियस पीरियड्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी एलिमेंट्स की, उनको डिवाइड किया एक ग्रुप में, पीरियड में। एलिमेंट्स विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो दैट आर द मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ। मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ क्या बता रहा है? एलिमेंट विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस, मीन्स कुछ पीरियड के बाद में वो जो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की आती है, दे आर द इट गेट्स रिपीट अगेन एंड अगेन पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इस प्रकार से उनका जो था क्लासिफिकेशन था, लेकिन इस क्लासिफिकेशन से उनका जो प्लस पॉइंट जो थे, मेरिट्स जो थे, जो पूरे दुनिया ने जो है उसको एक्सेप्ट किया था फॉर फ्यूचर रिसर्च, कौन कौन से पॉइंट्स थे? दैट आर द मेरिट्स, उसको हम बोलते हैं मेरिट्स। रिवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी उनको पता लगा कि रिसर्च करते समय उनको पता लगा कि कुछ जो है पहले के जो लोगों ने अरेंजमेंट की थी, या उन्होंने पहले इनिशियल स्टेज में जो भी कुछ उन्होंने रिसर्च किया था, उनको पता लगा कि सम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, कुछ एलिमेंट जो है इसे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिर भी उनको एक ग्रुप में रखे। वैसा तो उनको ग्रुप में कैसे रखते, उनकी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा पता लगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का डिफरेंस जो है ये आ रहा है। उनको ये बात जो है पट नहीं रही थी कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के जो उसके साथ में मैच नहीं हो रहे थे। तो वन ऑफ द एलिमेंट वॉज दिस, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो थे उनको उन्होंने रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, उनको उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। रिवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी, जो भी कुछ एलिमेंट उनको लगा कि ये प्रॉपर नहीं है, इट इज इम्प्रॉपर फॉर दैट द पीरियोडिक टेबल, सो दे करेक्ट इट, दे रेक्टिफाई इट। सो रिवाइज इन अकॉर्डेंस विद दैट द प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट हम ले रहे हैं अभी बेरिलियम, बेरिलियम का उसका एटॉमिक मास जो था 14.09, उनको लगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है जिस ग्रुप में ये है उसके साथ में ये मैच नहीं हो रही है, सो दे करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम 14.09 टू 9.4, ये इन्होंने करेक्ट किया एंड प्लेस बिफोर द बोरॉन, बोरॉन के पहले उन्होंने प्लेस किया। ऐसे बहुत सारे कुछ एलिमेंट जो थे उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, उसका एटॉमिक मास बराबर करके उन्होंने एलिमेंट जो है उसको प्रॉपर पोजीशन में रख दिया। उसके बाद में दूसरा वाला जो प्लस पॉइंट जो था उनका, जैसा हमने पहले देखे न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ने जो भी कोई एलिमेंट उनके जमाने में जो थे उन्होंने बोला था कि 58 थे, तो उस जमाने में जो भी कोई एलिमेंट उनको गैप थे उन्होंने बताया था कि उतने ही एलिमेंट रहेंगे, नो एलिमेंट विल बी देयर, जितने मैंने खोजे हैं उतने ही रहेंगे न्यूलैंड के लॉ के मुताबिक। लेकिन ये जो साइंटिस्ट जो थे मेंडेलियम्स, उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रकार के एलिमेंट उनको कुछ डाउट था कि कुछ एलिमेंट जो है आ सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए उन्होंने क्या रखा उसके लिए जगह जो है क्या फ्यूचर में
आ सकती है उसके लिए वैकंट रखी, पीरियोडिक टेबल में ऐसी वैकंट रखी। तो उनको लगा कि कुछ एलिमेंट जो है आगे में फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन होगा या रिसर्च होगा, उस पे नए लोग जो है फ्यूचर में रिसर्च करेंगे। तो उनको लगा कि कुछ जगह जो है उनके लिए ऐसी वैकंट रख देंगे हम। ऐसे ही एक दो तीन एलिमेंट उनके नजर में आए और भी कुछ आए, उसमें से हम ले रहे हैं। अभी कुछ एलिमेंट जो था, एक बोरॉन, इका बोरॉन जो है, अभी उनको लगा कि बोरॉन की जो प्रॉपर्टी जो है फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ एलिमेंट के साथ में मैच नहीं हो रही है, कुछ एलिमेंट के साथ में मैच नहीं हो रही है, लेकिन उस ग्रुप में उसको रखना है। मैच नहीं हो रही है लेकिन फिर भी उनको उस ग्रुप में रखना है। उनको पता लगा कि इस प्रकार का कोई एलिमेंट आगे में आ सकता है, डिस्कवरी हो सकती है उसकी। उनको लगा कि बोरॉन की जैसा ही कोई एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है सेम रहेंगी बोरॉन के जैसी, तो उन्होंने कुछ जगह जो है वैकंट रख दी। और जो भी कोई जगह उसने वैकंट रखी उसको नाम दिया उन्होंने, इट इज द इको बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के जैसा ही नेबरर जो है, बोरॉन का नेबरर बाजू वाला जो एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ में सिमिलर होंगी, हो सकता आगे में उस प्रकार का एलिमेंट जो है खोजा जाएगा। उसी के जैसा दूसरा वाला जो उन्होंने रखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नेबरिंग वाला जो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम के नेबरिंग वाला जो एलिमेंट है मीन्स एल्यूमिनियम के जैसे ही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी। उनको लगा कि आगे में हो सकता है, निकल सकता है खड़ा एलिमेंट, तो उन्होंने भी एक जगह दूसरी जगह जो है वैकंट रख दी। उन्होंने उसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। अभी ये एका जो है इट इज द संस्कृत वर्ड, एका मीन्स वन, एका दैट डिराइव फ्रॉम दैट द संस्कृत वर्ड, हो सकता उनको संस्कृत का कुछ नॉलेज होगा उस समय। एनीवे उसके बाद में तीसरा वाला भी एलिमेंट उनको लगा कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बाजू में या नेबरिंग एलिमेंट जो है हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी इस सिलिकॉन के जैसी होंगी, तो उन्होंने भी उसके लिए अलग जगह रख दी। ही नेम्ड दैट इज द इका सिलिकॉन, ही वॉज गिवन द नेम इका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के जैसा ही रहने वाला है वो, आगे में नाम देंगे उसको। नाउ आफ्टर दैट बाय द एंड ऑफ दैट द 19th सेंचुरी, उसके आखिरी जो जीवन काल के पीरियड में उनको पता लगा कि जो इको बोरॉन जो है जिन्होंने उनको नाम दिया था, टेम्पररी नेम दिया था, इट वॉज द टेम्पररी नेम, उसके बाद में इस इको बोरॉन जो है उसका जो भी कोई दूसरा एलिमेंट उन्होंने खोजे थे दैट वॉज दैट द स्कैंडियम, ये कौन सा एलिमेंट था, स्कैंडियम एलिमेंट था, और उन्होंने उसका एटॉमिक मास जो है ये भी प्रेडिक्ट किया था 44। इसका भी वैसा ही है, उसने दूसरा जो एलिमेंट जो है प्रेडिक्ट किया था दैट वॉज द एटॉमिक मास उसका 68 रहेगा। उसके बाद में पूरा स्टडी करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में आगे में ये गैलियम नाम का जो एलिमेंट जो है ये क्या डिस्कवर हुआ। उसके बाद में इन द सेम वे सिलिकॉन जो की जगह जो थी खाली, उसकी प्रॉपर्टी के जैसा ही ये नया एलिमेंट जो है उन्होंने खोज के निकाला दैट वॉज द जर्मेनियम, उसका एटॉमिक मास जो था वो कितना था, इट वॉज द 72। मीन्स जो जो उन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था इनिशियल स्टेज में कि ये आगे में हो सकता है,
जो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ऐसा जो है आगे में हो सकता है, आगे में तीन प्रकार के एलिमेंट जो है बाद में खोजेंगे या उसका और उनमें कुछ प्रॉब्लम होगा कि आगे में पूरा स्टडी करने के बाद में, तो उनको इस प्रकार का खोज जो है उनके साइंटिस्ट फ्रेंड के मदद से उन्होंने ये किया। मीन्स ऑल द थ्री एलिमेंट्स विच वेयर प्रेडिक्टेड एट दैट टाइम इन द इनिशियल स्टेज ही डिस्कवर दिस थ्री एलिमेंट्स बाय गिविंग द नेम्स कैंडियम गैलियम एंड द जर्मेनियम, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद में तीसरा वाला जो प्लस पॉइंट है उनका, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पीरियोडिक टेबल, उनको ऐसा लगा कि कुछ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये आगे में आ सकते हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी अलग प्रकार की जगह जो है रख दी, दैट इज द जीरो ग्रुप एलिमेंट। जीरो ग्रुप एलिमेंट को उन्होंने सबसे आखिर में राइट साइड में उनको जगह दे दिए विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट, जस्ट एज द हेलियम नियॉन आर्गन ये बाद में जो है डिस्कवर हुए, उन्होंने अलग प्रकार की ये जगह दी। तो इस प्रकार का जो प्रेडिक्शन जो उन्होंने किया था ये कितना सही था इस प्रूफ से हमको अभी पता लगेगा। कैसा है, जो एक एल्यूमिनियम का प्रेडिक्शन जो था कैसा था देखिए, उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था इट वॉज द 68 एटॉमिक मास जो था 68 था, जो उन्होंने बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम उसका मास निकला 69.7, अभी भी ये जो है एक्चुअल जो है एक्चुअल इट इज द 69.7, उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था इट वॉज द 68, इट वॉज नियरली द सेम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देयर। डेंसिटी प्रेडिक्शन वॉज द 5.9, एक्चुअल इट इज द 5.94। देखिए ये जो प्रेडिक्शन जो उन्होंने किया था उस समय में और एक्चुअल आज की जो वैल्यू जो है दैट इज द नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली द सेम, आसपास ही है। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट इट इज द लो, ये भी लो ही है एज कंपेयर टू द अदर। फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड, ये उन्होंने इस प्रकार का फॉर्मूला जो है कंस्ट्रक्ट किया था, ये भी उन्होंने इस प्रकार का, आज जो है GaCl3 क्लोराइड उसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए उन्होंने F2O3 किया था, यहां नया नाम आने के बाद में हमने Ga2O3 आ गया। एंड द नेचर ऑफ द ऑक्साइड इट वॉज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज देयर, ये भी उसी प्रकार का ही है। मीन्स जो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, देखिए जो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एक्चुअल स्थिति में, इन एक्चुअल द वैल्यूज आर नियर अबाउट द सेम और द वेरी क्लोजर टू दैट द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ये था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके वजह से मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल जो है उसको ज्यादा महत्व है, उसको ज्यादा कंसीडर जो है किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। सो वी हैव सीन द मेरिट्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, ये तीन मेरिट्स से, दीज आर द थ्री मेरिट्स विच आर द प्लस पॉइंट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट विच वॉज डन एट दैट टाइम बाय द मेंडेलिस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव योर एंसर। ट्राई टू विजिट दिस वीडियो चैनल डिजिटल लाइफ स्टाइल बिकॉज यू गेट हियर द जिनाइन मटेरियल जो आपको हर बार मिलता है और आगे में भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।